भैयू महाराज, आत्महत्या कांड में आज एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने यह बताया कि डॉक्टर चौबे के मुताबिक पत्नी आयुषी तथा अन्य लोगों के बयानों से यह साफ हुआ कि करीब सवा साल से आरोपी पलक भैयू महाराज पर दबाव डालकर हर महीने 1.5 लाख रुपये वसूल रही थी। इस दौरान बहन की शादी में भी करीब 30-40 लाख रुपये खर्च करवाए। बहनों का व्यापार स्थापित करने के लिए भी महाराज पर दबाव बनाया जा रहा था। चैटिंग से बार बार यह भी बात सामने आई कि उनसे बड़ी वसूली की जा रही थी। दवा का डोज भी महाराज का प्रमुख सेवादार विनायक योजनाबद्ध तरीके से दे रहा था। एक बार पत्नी ने दवा नहीं देने के लिए विनायक को कहा तो उसने रेपर से दवा निकाल कर रख ली ताकि किसी को दवा का नाम पता न चले। इस दवा के लगातार सेवन से महाराज मानसिक तनाव में रहते थे। विनायक तथा शरद इस तरह की हरकत से महाराज को अपने काबू में रखने की साजिश भी रचता था। कुल मिलाकर एक तथ्य बहुत बड़ा यह सामने आया है कि डबल गेम खेला जा रहा था। विनायक तथा शरद द्वारा डबल गेम खेला गया और भैयू महाराज को विश्वसनीय बनकर वह युति के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।